आपके साथ ऋतु सिंह। देवघर जिला के मोहनपुर प्रखंड के बाग पंचायत के मुख्य प्रतिनिधि से आज हम जानेंगे इस पंचायत की क्या समस्या है और क्या क्या विकास कार्य किए गए हैं। आइए देखते हैं मुख्य प्रतिनिधि से खास बातचीत। पंचायत चुनाव होने के बाद मैं जब अपने क्षेत्र भ्रमण किया तो मैंने पाया कि जिस गाँव में गरीब था, जिस गाँव में BPL सुविधा चाहिए था, वहाँ अभी तक कोई भी किसी भी प्रकार का सुविधा नहीं मिला था। मैं सरकार के पास कॉल करके उस गांव में आवास दिया, जिस गरीब को 80 वर्ष हो रहा था उसको पेंशन दिया। आज हमारे पंचायत में लगभग 200 PM आवास है। पंचायत चुनाव के बाद आज हमारे पंचायत में 2 वर्ष के दरमियान लगभग 200 प्लस विधवा एवं वृद्धा पेंशन दिए। बाकी जिस गांव में जाने के लिए कोई सुविधा नहीं था, जिस गांव में शादी के बाद, उस गांव में शादी के बाद दुल्हन को लेके जब घर पहुंचेंगे तो गाड़ी नहीं आता था, उस गांव को मैं पूरा काम करके पूरा किया। जो बाकी है मैं 5-6 महीने के अंदर उसको ज़रूर पूरा करूंगा। मैं अपना योजना में डाल चुका हूं। सर, जो मेरा अधूरा काम है, काम तो लगभग हो चुका है सर, कि सरकार के द्वारा इतना ही योजना मिला था कि मैंने उस योजना को लगभग पूरा किया। यदि कुछ बाकी है तो उसको पूरा किया जाएगा। सर, हमारे पंचायत में 5 गांव हैं, जिसमें कि 5 पंचायत के 5 ग्राम में एक मनरिया टोला है। चारों बगल से सर आने के लिए कोई सुविधा नहीं है। उस गांव में न कोई ज़मीन है जो मैं रास्ता बना सकता हूँ और न मैं कि अपना इच्छोद्भव जिससे किसी प्रकार का काम कर सकता हूँ। ये काम अब विधायक के द्वारा, ये काम सांसद के द्वारा ही किया जा सकता है, क्योंकि वहाँ बहुत नर्क की तरह व्यवस्था है। उस गांव में व्यवस्था कुछ नहीं था, मैं एक जलमीनार दिया, चापार नल दिया, बाकी उस गांव में ही रोड बना रहा हूँ, लेकिन चारों तरफ से वो टापू में की तरह गिरा हुआ है। सुविधा नहीं है सर, उस गांव में पहुँचने के लिए हमारे पास ऐसा कोई सुविधा नहीं है। चारों बगल जमाबंदी ज़मीन है, चारों बगल खेत है। बारिश के टाइम में लोग को खाट पर उठा के बाहर आना पड़ता है बीमारी को। इसके लिए मेरे पास सर कोई सुविधा ही नहीं है, क्योंकि चारों बगल जमाबंदी ज़मीन पड़ा हुआ है। तो आगे तो कुछ किसान को बिठा के मैंने कहा कि आप लोग कुछ जमीन को दान दीजिए, जहाँ तक होगा हम उस रोड पर काम करेंगे। अभी के लिए इतना ही। देखते रहे केलांचल टाइम्स। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।